हाय नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश शर्मा बीकानेर से। मेरे इस चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन। और आज आपको एक नया नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। ये है ईएमडी और एल्को के बीच में एक शानदार रेसिंग के लिए। ईएमडी लोकोमोटिव और एल्को लोकोमोटिव का थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं कि एल्को और ईएमडी होते क्या है, थोड़ा सा मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। एल्को का मतलब है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी। ये एक अमेरिका की एक लोकोमोटिव कंपनी थी जो कि डीजल के अंदर अपने इंजन बनाया करती थी, जिसकी रेंज 1000 एचपी से 3600 एचपी की थी। और ये एसी और डीसी ट्रैक्शन के साथ ब्रॉड गेज के लिए रेल इंजन बनाया करती थी, जो कि अमेरिका के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अपना विपणन और या मार्केटिंग किया करती थी। 1960 के दशक में एल्को ने भारत में अपनी लोको डिज़ाइन को लाइसेंस दिया, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा लाइसेंस दिया। और उसके बाद भारत ने DLW बनारस के अंदर उसकी मदद से एल्को में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन वाले डीजल इंजनों को बनाया। और भारत ने इतने यानी कि 251 से अधिक डीजल इंजन बनाए जितने कि खुद अमेरिका ने नहीं बनाए थे। अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी के डीजल है ब्रॉडगेज में है, एसी डीसी ट्रैक्शन में है, 1000 से 3600 तक की विस्तृत रेंज में उपलब्ध है। भारत में सबसे पहले एल्को भारतीय रेलवे का पहला हाई स्पीड आधुनिक लोकोमोटिव आया था। अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पैक्ट समझौते के माध्यम से ये रेलवे में क्रू में शामिल किया गया था। एल्को में 4-स्ट्रोक इंजन है, V16 वाला डीजल इंजन है, जबकि ईएमडी में 2-स्ट्रोक इंजन है और वो भी डीजल टर्बोचार्ज इंजन। 2000 की शुरुआत में ईएमडी इंजनों को भारतीय रेलवे में शामिल किया गया था, लेकिन ये सिर्फ आयात किए गए थे क्योंकि उस समय ईएमडी कंपनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पैक्ट के खिलाफ सहमत नहीं हुई थी, जबकि एल्को 1960 के करीब करीब हमारे भारत में आ चुके थे। आज हम आपको एक मनमोहक रेस दिखाने जा रहे हैं। ये जो रेस है आप देखें कि इसके अंदर दो इंजन आ रहे हैं एक साथ पैरेलल, एक तो ईएमडी है और दूसरा है एल्को। जो लेफ्ट साइड में गाड़ी आ रही है वह 14707 है, बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली रणकपुर एक्सप्रेस है और इसको एक ईएमडी हॉल कर रहा है जो कि WDP4D का है। और ये WDP4D 40275 BGKT का भगत की कोठी का है। इसके एवरेज इसके अगेंस्ट जो राइट साइड में जो गाड़ी आ रही है वह 22471 है, इसको एल्को यूज़ कर लेके चल रहा है WDM3A 16610 आबू रोड का। और दोनों की बात हमने प्रीवियसली इसको बताई थी कि दोनों की स्पीड का एक्यूरेसी का क्या क्या आनंद था। अब देखिए आप दोनों की स्पीड को आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, कैसे आपको देखेंगे कि आप ये जो इंजन जा रहे हैं आप देख लगातार अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ी देर में एल्को काफ़ी आगे निकल गया है। और एल्को के निकलने के बाद वापस से देखिए आप ईएमडी ने वापस गियर अप किया है, खूब अच्छा सा स्मोकिंग कर रहा है, धुआं निकाल रहा है और ये इसने काफ़ी स्पीड बना ली है और दो इसको बराबर बराबर कर लिया है। इस प्रकार दोनों की एक बहुत ही मनमोहक और आकर्षक आँखों को रुझाने वाली एक बहुत शानदार रेस का नज़ारा आपको हम देखने को मिल सकता है, जिसका मैं दिखाने का आपको प्रयास करूँ। तो देखते रहिए मित्रों, ये पहली रेस है और इसके बाद थोड़ी देर बाद हम अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन बाद फिर एक रेस दिखाएंगे, तो तब तक के लिए आप फिर देखें। अगर एल्को को ईएमडी के साथ कंपेयर किया जाता है तो ईएमडी लोकोमोटिव को एल्को पर ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है क्योंकि ये सबसे अधिक फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। एल्को की तुलना में हाई स्पीड इनकी एक्सीलरेशन होती है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय रेलवे को एल्को ने बहुत ज़्यादा सेवाएं दी, लेकिन इस लोकोमोटिव का कुछ दोष इसमें थे, जैसे कि ये लोकोमोटिव बहुत अधिक प्रदूषण करता था, पोल्यूशन खूब करता था और बहुत सारे ईंधन की खपत और डीजल कंजम्पशन ज़्यादा था। इसके अलावा इन लोकोमोटिव का माइलेज भी इतना अच्छा नहीं था। और चौथी बात इसका कि एक्सीलरेशन भी एकदम से इतना तेज़ नहीं होता था, जबकि आधुनिक जो अब आए हैं ईएमडी इनकी तुलना में ये सभी में पिछड़ गया है। फिर भी इसने हमारे रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा सक्रिय सहयोग सहभागिता निभाई है। एल्को के अंदर देखा जाए तो इसकी डीजल की क्षमता जो ईंधन की क्षमता है वह 1320 अमेरिकन गैलन है, जबकि ईएमडी की कैपेसिटी है जो स्टोरेज की वह 1600 अमेरिकन गैलन है। ईएमडी जो लोकोमोटिव है उसकी हम माइलेज की बात करें तो ये 300 से 400 मीटर प्रति लीटर माइलेज देता है, एक लीटर के अंदर 300 से 400 मीटर चलता है, जबकि एल्को लगभग इसका आधा चलता है यानी कि 200 से 300 मीटर प्रति लीटर का इसका माइलेज है।
तो ये कोई भी देख सकता है कि एल्को से ज़्यादा सुपरलेटिव ईएमडी है और एल्को थोड़ा पिछड़ गया है, परंतु अब इस बार हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वह भी एक अपने आप में अद्भुत यूनिक है। इसको देखें और इसमें देखो दोनों एल्को और ईएमडी दोनों अपने अपने दौर के शानदार इंजन है और दोनों की स्पीड कैसे काम करती है, कैसे दोनों में हार्ड नेक टू नेक स्पीड चलती है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया इसको देखें, अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, अब जो रेस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह भी काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार है और यह भी ईएमडी वर्सेस एल्को के बीच में है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लोकेशन हमारी लगभग वही है, दोनों गाड़ियां 9:30 बजे राइट टाइम पे निकलती हैं और दोनों ही गाड़ियां में आज जो लगा हुआ है ईएमडी जिस के अंदर आ रहा है WDP 4D 40-343 BGKT का है और यह 22 डब्बों को ड्रैग कर रहा है, हॉल कर रहा है, बहुत ही स्पीड से धीरे धीरे निकल रहा है और ये अभी काफ़ी आगे आ चुका है। आज अभी हमने देखा है कि एल्को का भी कोई अता पता नहीं लग रहा, एल्को अभी दिख नहीं रहा, एल्को शायद काफ़ी पीछे है। और इसके अंदर ये 22 डब्बे हैं और आज देखो एल्को को कैसे एग्रेसिव होएगा एल्को और एल्को धीरे धीरे कैसे इसको ईएमडी को और इसके 22 डब्बे जो आगे एडवांस जा चुके हैं उनको कैसे पीछे करेगा, ये एक रेस का एक आकर्षक हिस्सा है और इसको आप देखिए तो आनंद आएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेस है और ये देखिए साइड से अगर आपको दिख रहा है तो ये आपको एल्को आना चालू हो गया, एल्को ही आबू रोड का एल्को है और 22473 गाड़ी है। इसके अंदर WDM3A आबू रोड का लगा हुआ है, WDM3 शायद 14029 इंजन नंबर है और 22473 दिल्ली बीकानेर से दिल्ली को हॉल करने वाला इंजन लेके जा रहा है। और देखो अभी इसने स्मोकिंग हल्की सी करी है और अब इसने स्पीड बनाई है। अब ये हम इसको लगातार परस्यू किए हैं, फॉलो किए हुए हैं और ये गाड़ी देखिए कैसे स्पीड में इसने ईएमडी को पछाड़ रहा है और आज ये उल्टी गंगा गा दी है इसने। ईएमडी जो बहुत पावरफुल इंजन है, अच्छा एक्सीलरेशन है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो पीछे रह रहा है क्योंकि इसमें आज डब्बे ज़्यादा हैं 24 और उसको थोड़े हो सकता है डब्बे कम हैं कुछ, इनके जो एल्को को चलाने वाले लोको पायलट है उन पर भी डिपेंड करता है। गाड़ी को दोनों का सिग्नल ग्रीन है और इस प्रकार आप देखें रेस के अंदर एल्को ने आज बाजी मार ली है। तो ये दोनों मनमोहक आकर्षक नज़ारा आपको कैसा लगा बताना वो ज़रूर ज़रूर, कैसा लगा दोनों का। आगे मैं फिर एक पैरेलल रेस का आपको बताऊँगा। तो अगर ये दोस्तों आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर देना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। आपका दोस्त राकेश शर्मा। कीप सेफ, स्टे एट होम, कोरोना से बचें और देश को बचाएं। थैंक यू। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।